कांग्रेस कमेटी ने मोदी सरकार पर हमले किए। कमेटी ने सरकार पर बदले की भावना से राजनीति करने और राहुल गांधी की छवि खराब करने का आरोप लगाया। साथ ही अडानी को भी बचाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद देश भर में उनके समर्थन में कांग्रेस धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही मोदी सरकार पर बदले की भावना से राजनीति करने का आरोप भी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में डिंडौरी के विधायक ओमकार मरकाम ने कहा कि राहुल ने तो सिर्फ ये कहा था कि जो पैसा लेकर भागते हैं उनका सरनेम मोदी है, तो उसमें गलत क्या कहा। राहुल दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको पप्पू कहकर हमेशा ही उनका अपमान किया है। विधायक मरकाम ने कहा, गांधी परिवार देश के लिए शहीद हुआ है, इनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति देश के लिए शहीद नहीं हुआ। बीजेपी ने इंदिरा गांधी का अपमान करके देश की महिलाओं का भी अपमान किया है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते ने कहा कि बीजेपी के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा था कि जो लोकसभा विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है उसे बंगला खाली करना पड़ता है, लेकिन 8 महीने हो गए हैं मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना हूँ, मुझे आज तक बंगला नहीं मिला क्योंकि बीजेपी के पुराने अध्यक्ष बंगला खाली ही नहीं कर रहे। मोदी जी, सिर्फ राहुल जी ने ये बात किया है कि जो पैसा लेके भागने वाले हैं उनकी सरनेम मोदी क्यों है, अगर ये प्रश्न उठाया है तो मैं समझता हूँ अगर उनकी भागने वालों के नाम के सामने है तो ये तो निजता है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। अब उसमें आप समाज को ला रहे हैं, देश के अंदर एक गुमराह पैदा करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो देश के अंदर एक शैक्षणिक व्यवस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो शैक्षणिक व्यवस्था है, हमारे राहुल गांधी जी डिग्री लेकर के हैं, डिग्री लेकर के हैं, उन यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण करके आए हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा की उनको अधिकार है, तमाम तरह की डिग्रियां दे रहे हैं। उनको सबसे पहले आपने पप्पू कहा, आप एक डिग्री वाले को पप्पू कह के आप पढ़े लिखे का अपमान कर रहे हैं। अगर वो डिग्री लेकर के आए हैं आप पप्पू कह रहे हैं, आप उनके छवि को खराब करने के प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार ने देश को लूटा है, हमारा इस बात पे घोर आपत्ति है। गांधी परिवार ने देश के लिए शहादत दिया, इंदिरा जी का शहादत इस देश के लिए हुआ है। और अगर मोदी जी में अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो इंदिरा जी के कार्यकाल का एक भी भ्रष्टाचार सामने ला करके बताएं, एक भी भ्रष्टाचार इंदिरा जी के कार्यकाल का बताएं। इंदिरा जी ने इस देश के लिए काम किया और देश के लिए जीवन दिया, आज आप उसको कह रहे हैं कि उन्होंने लूटा। आप सिर्फ गांधी परिवार को ही नहीं कह रहे हैं, करोड़ों महिला जो इस देश की आधी आबादी है, देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी महिला प्रधानमंत्री। कोई भी मेंबर पार्लियामेंट अगर सदस्य नहीं है तो उसको घर खाली करना पड़ेगा। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री को भी घर खाली करना पड़ता है, अगर जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं है तो अपना डेरा उसको स्वयं को उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का विषय रहता है, इसीलिए अगर घर दिया गया, मैं सांसद नहीं रहूंगा तो मुझे घर नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसे सरकारी संपत्ति या सरकारी आवास, उसका उपयोग हम तब कर सकते हैं कि हमारी उसमें वैधता हो। बीजेपी के सांसद श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी आए थे, उन्होंने भी आप लोगों से जब प्रश्न किए जाने पे बताए थे कि जिसकी जो पात्रता है, राहुल गांधी जी को सदस्य निरस्त की गई है तो उनको बंगला खाली करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था अपने बारे में भी, जब तक वो सांसद है तब तक उनको बंगला दिया जाएगा, नहीं तो उनको भी बंगला खाली करना पड़ेगा। जिला पंचायत में आप देख रहे हैं लगभग 7-8 महीने हो गए मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, आज तक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष से बंगला खाली नहीं कराया गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले,
हर मसले का सटीक विश्लेषण। हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।